अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमारे आज के जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पहला पार्ट और ये उसका दूसरा पार्ट आज हमें इनको करना है। करना क्या है, इनको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करने के बाद इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना हो। तो क्या है, इसको फैक्टराइज करते हैं। ये आखिर में जो देखा आपने 20 कांस्टेंट टर्म है, 20 को इस पहले कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहला कोफिशिएंट क्या है, यहां पर 1 है। 20 मल्टीप्लाई 1, 21, 1 जा 20। तो लिहाजा आपने 20 को फैक्टराइज करना है। 20 को फैक्टराइज करने के बाद यहां से हम पेयर ढूंढेंगे कि अगर उनको प्लस किया जाए या माइनस किया जाए। माइनस किया जाए तो माइनस का 1 आना चाहिए या प्लस किया जाए तो माइनस का 1 आना चाहिए। तो इसको फैक्टराइज करते हैं। 2 1s are 2, 0 0, आगे 2 5s are 10, आगे 5 1s are 5। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन है। इनमें से हमने ऐसे जोड़े ढूंढने हैं, ऐसे पेयर ढूंढने हैं कि अगर उनको प्लस किया जाए या माइनस किया जाए तो ये 1x बनना चाहिए, और अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 20 बनना चाहिए। तो क्या है, 2 2s are 4 और 5 1s are 5। ये 5 और 4 का पेयर हमारे पास मौजूद है। अगर ये 5 को माइनस कर रखा जाए और ये इसको प्लस कर रखा जाए तो माइनस 5 में से प्लस का 4 कैंसिल करें तो माइनस का 1 आता है। तो ये हमारे पेयर होंगे, हम इस तरह फैक्टराइज करेंगे। x² - 5x + 4x - 20 = 0। अगर 5 में से 4 को काट दें तो 1 बनता है, और 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है। आगे x कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा तो यहां से क्या होगा, x माइनस, यहां से x कॉमन चला गया 5। आगे प्लस, यहां से 4 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, x प्लस माइनस माइनस 5 = 0। ये दोनों आपस में एक जैसे होने चाहिए, तो लिहाजा हमने पेयर ऐसे बनाए ये आपस में एक जैसे आ रहे हैं। आगे एक मरतबा बाहर वाले लिखने हैं x प्लस 4, और एक मरतबा ये अंदर वाले जो है ये लिखने हैं x माइनस 5 = 0। नेक्स्ट आगे इनको अलहदा रहता 0 के इक्वल करना है। x प्लस 4 = 0, x माइनस 5 = 0, इसको 0 के साथ अलहदा रहता है। x इज इक्वल टू, ये 4 उधर चला जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये 5 उधर चला जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। ये दोनों हमारे सॉल्यूशन सेट है। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या हुआ, -4 5, ये हमारा आंसर है। इसको फैक्टराइज करने के बाद ये हमारा सॉल्यूशन सेट। जी नेक्स्ट इसके ऊपर आते हैं, क्या है इसमें, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, 3y² वैसे का वैसे आ जाएगा, इस y को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। y मल्टीप्लाई y, y² y मल्टीप्लाई 5 माइनस 5y। आगे चलते हैं 3y², ये दोनों इस तरफ आ जाएंगे, इस तरफ आके ये माइनस का हो जाएगा और ये इस तरफ आके ये प्लस का हो जाएगा = 0। 3y² माइनस y² क्या आंसर आएगा, 2y² 3 में से एक काट देंगे 2y² प्लस 5y = 0। अब इनमें से y कॉमन लिया जा सकता है तो y को कॉमन लेते हैं, क्या आएगा यहां से 2y प्लस यहां से y कॉमन चला गया 5 = 0। अब इनको अलग-अलग करना है, 2 मेथड अप्लाई करने हैं, क्या y = 0 अलग हो गया और इसको अलग करना है 2y + 5 = 0। y = 0 ये आंसर आ चुका है। उसके बाद इसको हल करते हैं, 2y = ये 5 उधर चला जाएगा -5 / 2 / 2, y = -5/2। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। एक हमारा सॉल्यूशन है 0 और दूसरा हमारा सॉल्यूशन है -5/2। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन।